नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों अभी अभी मैंने फिल्म जरा हटके जरा बचके फिल्म का ट्रेलर देखा है। दिनेश विजन फिल्म के प्रोड्यूसर है, मेडॉक्स फिल्म के अंतर्गत उन्होंने ये फिल्म बनाई है। कई बेहतरीन फिल्में वो बना चुके हैं मेडॉक्स फिल्म के अंतर्गत। दोस्तों लक्ष्मण उत्तरकर फिल्म के डायरेक्टर है, सारा अली खान तथा दोस्तों विक्की कौशल प्रमुख भूमिका में है। तो फिल्म की कहानी इंदौर में सेट है, एक रोमांटिक लव स्टोरी लग रही है, साथ में फैमिली ड्रामा भी लग रहा है। अभी ड्रामेटिक है या रोमांटिक है ये तो फिल्म देखने के बाद में पता चलेगा। कुछ अलग जर फिल्म का नाम है जरा हटके, तो थोड़ा तो हटके है लेकिन वैसा कुछ नहीं है कि जो आपने पहले कभी नहीं देखा। बहुत सी फिल्में आप ऐसी देख चुके हैं कि किस प्रकार एक जो विक्की कौशल जिनका नाम कपिल है और सारा अली खान का नाम सौम्या, उनमें आपस में प्रेम में किस प्रकार से वे शादी के बंधन में बनते हैं, पहले किस प्रकार से दोनों में बहुत अच्छी बनती है, बहुत एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार है, और शादी के बाद में किस प्रकार से स्थितियां चेंज लेती है और किस प्रकार एक दूसरे को काटने को दौड़ते हैं, और मौका यहाँ तक मतलब हालात यहाँ तक बन जाते हैं कि दोस्तों की बात तलाक तक आ जाती है, डाइवोर्स तक आ जाती है, क्यों डाइवोर्स लेना चाहते हैं और किस प्रकार से डाइवोर्स के लिए अपील की जाती है, और फिर किस प्रकार से घटनाएं बदलती है, किस प्रकार से ट्रेंड्स और ट्विस्ट आते हैं, परिवार वाले क्या उनको समझा पाते हैं और क्या क्या होता है, किस प्रकार से यह एक मजेदार तरीके से बताने की कोशिश जरूर की गई है। पति पत्नी की कहानी है कि किस प्रकार से शादी के बाद में इनके बीच में आपस में प्रॉब्लम्स आती है और कितनी बात बढ़ जाती है। तो कई तरह की बातें ये फिल्म बताई गई। एक फैमिली एक ड्रामेटिक रोमांटिक मूवी है, कुल मिलाकर के कॉमेडी का टच देने की भी कोशिश की गई है। कुछ सीन है जो आपको हंसाते हैं लेकिन ज़्यादा फनी मुझे नहीं लगे, बस ठीक ठाक मतलब एक थोड़ी हंसी चेहरे पर जरूर आ जाती है। म्यूजिक ठीक लग रहा है, विजुअल सिनेमाटोग्राफी भी अच्छी लग रही है, बीजीएम ठीक ठाक है, और लक्ष्मण उत्तरकर का डायरेक्शन अभी ट्रेलर के हिसाब से तो क्या बताया, अभी तो ठीक ही लग रहा है। लेकिन दोस्तों कुल मिलाकर के ये ट्रेलर देखने के बाद में ऐसी फीलिंग नहीं आई कि ये फिल्म थिएटर्स में चल पाएगी। मुझे लगता है कि ओटीटी कंटेंट अगर ओटीटी पर इसको रिलीज किया जाता तो ज़्यादा बेहतर बेहतर होता, क्योंकि फिल्म तो जरा हटके लग रही है लेकिन अगर दर्शक इससे जरा बच के निकल गए तो फिर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आजकल ऐसी फिल्में थिएटर्स में चलती नहीं है, कम चलती है। तो अब अभी तक तो जो ट्रेलर देखने के बाद में तो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन ये है कि ज़्यादा कोई विशेष ये फिल्म नहीं लग रही है। जहाँ तक परफॉर्मेंस की बात करें तो विक्की कौशल अच्छे एक्टर है, यहाँ पर भी मुझे उनकी एक्टिंग ठीक ठाक ही लग रही है, कोई बहुत ही बढ़िया तो नहीं लगी है लेकिन ठीक है। कुल मिला करके अपने रोल के साथ न्याय करते हुए नजर आ रहे हैं। सारा अली खान भी इस फिल्म में ठीक है लेकिन कई जगह लाउड होती हुई दिखाई दे रही है, काफ़ी ज़्यादा लाउड होती हुई नजर आ रही है। और जो बाकी कलाकार है उनका तो खैर ठीक है, उनका काम भी दमदार है। कुल मिलाकर के विक्की कौशल तथा सारा अली खान की केमिस्ट्री तो अच्छी नज़र आ रही है, फिल्म भी ठीक ठाक लग रही है। लेकिन अब सब कुछ डिपेंड ये करेगा कि क्या ऐसी फिल्म को थिएटर्स में आना चाहिए और क्या ऐसी फिल्म को देखने के लिए दर्शक थिएटर्स में जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। कि फिल्म थोड़ी हटके है लेकिन इतनी भी हटके नहीं है कि आपने ऐसी स्टोरी देखी नहीं है, ऐसी फिल्में देखी नहीं है। अब इसका पूरा तो फिल्म देखने के बाद में कंटेंट को किस तरीके से स्क्रीन प्ले को कैसा लिखा गया है, कितनी मजेदार ये फिल्म होती है, गाने कितने हिट होते हैं, पॉपुलर होते हैं, ये सब कुछ पे डिपेंड करेगा कि इस फिल्म को दर्शक मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो मुझे तो कुल मिलाकर के ट्रेलर एवरेज लगा है, मैं इसको 2.5 स्टार आउट ऑफ 5 रेटिंग देता हूँ। आपने अगर देखा तो आप कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको ये फिल्म कैसी लगी और क्या ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर सकती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो ज़्यादा लाइक तथा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर, जय श्री राम।